नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सॉस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा कंप्लीट एंगुलर पाइप्स। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि पैरामीटराइज्ड पाइप क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसको हमने कोडिंग करके और प्रैक्टिकल करके देखा। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम, इसमें ये देखेंगे कि मल्टीपल पाइप्स क्या होता है, जिसको हम चेनिंग पाइप भी बोलते हैं। मीन्स कि दोस्तों, पाइप का जो मल्टीपल पाइप होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम प्रोग्राम करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने सहोस सब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा चेनिंग पाइप है, ये हमारे पाइप का ही पार्ट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइप का दो पार्ट होता है, बिल्ट इन पाइप एंड कस्टम पाइप्स, और फिर अगेन बिल्ट इन पाइप्स का दो पार्ट होता है, पैरामीटराइज्ड पाइप और चेनिंग पाइप। इन सारे पैरामीटराइज्ड पाइप को हमने देख लिया और आज हम देखने जा रहे हैं चेनिंग पाइप। फिर हमारा अगला रह जाता है कस्टम पाइप्स। बट कस्टम पाइप्स के वीडियो से पहले हम आपके लेकर आएंगे कुछ स्ट्रिंग्स रिलेटेड वीडियो, कि हम स्ट्रिंग पर कैसे और कौन कौन सा पाइप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको आपके लिए कस्टम पाइप का वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि कस्टम पाइप हम खुद से बनाते हैं, अपना कस्टम पाइप्स बनाते हैं। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है दोस्तों कि हम आपको छोटी से छोटी चीज़ें लेकर आएं और आपको अच्छे से समझाएं, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज को आप फॉलो करते रहें लास्ट तक, क्योंकि हम आगे इसी सीरीज में एक लाइव प्रोजेक्ट भी लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि मल्टीपल पाइप्स होता क्या है। दोस्तों, ऐसा सिनेरियो होता है कभी कभी कि एक ही डेटा पर हम नंबर ऑफ पाइप सप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कि हम कोई डेट है, उसका फुल डेट है, उसमें आ रहा है कि सितंबर, फिफ्थ मंडे, ये सारी चीजें आ रहा है, मगर वो लेटर टाइटल केस में है, बट हम उसको चाहते हैं कि अपर केस में हो जाए और फॉर्मेटेड भी हो। मीन्स कि हम हमारा रिक्वायरमेंट मल्टीपल है, तो वहाँ पर हम मल्टीपल पाइप अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा पर हमने पाइप वन, पाइप टू, पाइप थ्री, मतलब एन पाइप तक मैंने अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि एक ही डेटा पर पाइप वन लगा दिया हमने, उसका पाइप वन का पैरामीटर वन टू थ्री कर दिया, फिर अगेन हमने पाइप टू किया और पाइप टू का भी पैरामीटर हमने एन नंबर ऑफ पैरामीटर लगा दिया। मीन्स कि हम चेनिंग चला रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि चेनिंग पाइप से बोलते हैं मल्टीपल पाइप्स को। दो सिनेरियो बनता है, या तो एक ही डेटा पर आप मल्टीपल पाइप अप्लाई कर लीजिए, फिर एक ही डेटा पर एक पाइप, उसका मल्टीपल पैरामीटर, फिर अगेन पाइप, फिर उसका मल्टीपल पैरामीटर। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, एज ए सिनेरियो, राइट। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं एंगुलर फाइव के अंदर, और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्राउजर में, क्या दिखता है इफेक्ट। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारा एग्जाम्पल जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विदाउट पैरामीटर हम कैसे यूज करते हैं। जैसे ये डीओबी जो है हमारा, दोस्तों एक बार फिर आपको मैं समझा दूं कि कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल से आ रहा है डीओबी, जो एक वेरिएबल है, उसमें हमने एक डेट पास कर रखा है और इसको हम फॉर्मेटेड कर रहे हैं इस एचटीएमएल पेज पर, राइट। तो दोस्तों, ये क्या कर रहा है कि विदाउट पैरामीटर हमने किस तरीके से यूज किया, और उसमें हमने पाइप अप्लाई किया DOB, डेट पाइप अप्लाई किया, उस पर हमने मीडियम एक पैरामीटर पास कर दिया, राइट। फिर स्पेसिफिक फॉर्मेट हमने दिया, DOB पर हमने डेट अप्लाई किया, फिर हमने इस फॉर्मेट में शो करना चाहा तो हमने ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। मीन्स कि हमने पैरामीटर पास किया, बट हम यहाँ पर मल्टीपल पाइप अप्लाई नहीं किया हमने कभी, राइट। तो आज हम मल्टीपल पाइप अप्लाई करके देखेंगे एक ही डेटा पर। इसका पहले हम दिखाते हैं कि आपको इसका इफेक्ट कैसे ब्राउजर में दिख रहा है। अगेन आपको दिखा दूं, इसको हमने सेव किया और आप यहां पर ब्राउजर में देख सकते हैं, यहां पर विदाउट पैरामीटर मींस के स्टैंडर्ड टाइम दिखा दिया इसने, मीडियम में सितंबर शेप 15 कर दिया, स्पेसिफिक फॉर्मेट में इस तरीके से दिखाया, मीडियम टाइम जो हमने किया था उसमें टाइम दिखाया, और एनुअल सैलरी के लिए हमने जो दिया था फॉर्मेट किया था डॉलर में USD करके, उसका इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मेटेड करें मल्टीपल पाइप लगाकर, तो चलिए इसके लिए पहले काम करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और फुल डेट, मीन्स कि फुल डेट कैसे दिखता है, इसके लिए एक पाइप बना लेते हैं। इंटरपोलेशन के अंदर हमने DOB पास कर दिया, जो हमारा वेरिएबल है, इस पर हमने पाइप अप्लाई किया किस चीज का, डेट का, राइट, और हमने कॉलन दिया और इस पे हमने फुल डेट का अप्लाई कर दिया।
डी कैपिटल होना चाहिए दोस्तों, आप ध्यान रखना। अब हम एक ही पैरामीटर, केवल एक ही पाइप और एक पैरामीटर पास करके देखते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट होता है, हम कैसे देखते हैं ब्राउजर में। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों देख रहा है एक ही लाइन में आ गया। चलिए पहले इसको बीआर लगा लेते हैं ताकि अलग अलग दिखे। यहाँ पर मानो दोस्तों हमने बीआर लगाया, ब्रेक कर दिया, एक और ब्रेक कर देते हैं, लाइन ब्रेक कर दिया हमने। अब इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल डेट है जो मंडे प्रॉपर आ गया, सितंबर 15, 1947 आया। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि अपर केस में दिखे, मंडे जो है सितंबर जो है ये अपर केस में दिख जाए। मीन्स कि हमारा अगेन अपर केस क्या है, एक अलग से पाइप है, हम चाहते हैं कि एक और पाइप इस पर अप्लाई कर दें। तो हमें सिंपल करना क्या होता है, इस पर ही जाकर यहाँ पर हम दोस्तों एक और पाइप, मीन्स कि अभी हम क्या कर रहे थे, एक पाइप लगाया और उसका पैरामीटर लगाया, फिर एक और पाइप अप्लाई करना चाहते हैं, पाइप का साइन दिया हमने, राइट, और यहाँ पर हमने लिख दिया अपर केस, राइट। तो दोस्तों ये क्या करेगा कि हमारे डेट ऑफ बर्थ को अपर केस में कर देगा, राइट। हमें हमने क्या किया, डबल दो पाइप अप्लाई कर दिया एक ही वैल्यू पर जो कि डीओबी है, राइट। इसको सेव करके देखते हैं और ब्राउजर में देखते हैं दोस्तों। तो ब्राउजर में दिख रहा है कि इसको अपर केस कर दिया, मीन्स कि हमने क्या किया, मल्टीपल पाइप अप्लाई किया इस पर, राइट। इसी तरह मीडियम में भी यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी हम अपना कर सकते हैं, लोअर मीडियम जो भी, लोअर अपर जो भी करना होता है हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर लगा कर देख सकते हैं एक और पाइप, इस पर भी एक और पाइप लगा कर देख सकते हैं मीडियम वाले पर। यहाँ पर हमने मान लो दोस्तों एक और कर दिया पाइप और लिख दिया लोअर केस, राइट, और इसको हम सेव करके देखते हैं। देखो यहाँ पर सितंबर को लोअर केस में कर दिया जो कि टाइटल केस में था, राइट। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में ये देखा कि हम कैसे यूज करते हैं मल्टीपल पाइप, मीन्स कि एक ही डेटा पर डबल हमने यूज किया डेट और मीडियम, उसी तरीके से मीडियम और अपर और मीडियम लोअर सारी चीजों का हमने एक ही डेटा पर अप्लाई करके देखा। दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं, एक ही डेटा पर बहुत सारे पाइप अप्लाई कर सकते हैं और उस पाइप का बहुत सारे पैरामीटर भी अप्लाई कर सकते हैं, एज ए सिनेरियो जिसका जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल और चेनिंग पाइप्स क्या होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें स्ट्रिंग पर हम कौन कौन से पाइप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।